हलवा है सर, ये बट रहा है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। नो प्रॉब्लम, वी लाइक इट सर। सो वी आर हैप्पी सर, इफ द मिनिस्टर इज प्रोटेक्टिंग A1 एंड A2 सर, इट हेल्प्स अस ओनली सर। नो प्रॉब्लम, वी लाइक इट सर। प्लीज डू इट अगेन सर, प्लीज डू इट अगेन सर। आई गिव यू द स्पेस। मैं तो एक व्यवस्था का बात करना था, फिर शुरू हो गया। व्यवस्था तय, मैं सिर्फ जो परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ। उन्होंने बोला मैं यील्ड नहीं किया। ये नियम होता है, अगर सर अगर समय हम मांगते हैं तो यील्ड करना, एक एक वो यील्ड करना एक परंपरा है। नो 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 देयर नो परंपरा, यू डोंट यील्ड करेंगे। वो प्राइम मिनिस्टर है, नॉट यील्ड। मैंने व्यवस्था तय सर, उन्होंने स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ। बिल्कुल सही बोला आपने, कहा मैं ये नहीं कर रहा। किया मैंने, जबरदस्ती नहीं बोला। आप बोल रहे हो, मैं स्पीकर साहब से परमिशन लिया। आप बोल रहे हो, स्पीकर साहब ने मेरा नाम लिया। बोल रहे हो आपने यील्ड नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे। ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन पे खड़ा हुआ हूँ। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है, इतना तो कर्टसी होना होता है। राहुल जी, सर सर सर, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट सर। If when we raise our hand and ask for the Prime Minister and the ministers to yield, they yield, we will yield every time. Yes. The moment you yield, I guarantee you we will yield. In fact, I am ready, Speaker sir. I am ready. सभी लोग आप प्रतिपक्ष के नेता को डिस्टरबेंस कर रहे हैं और मैं आपको बार बार आप डिस्टरबेंस कर रहे हैं, वेणुगोपाल जी सब जहाँ डिस्टरबेंस कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। ये योजना से देश में, स्पीकर सर, देश में अब ये कौन कर रहा है, तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है, इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉरपोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। ये देखिए सर, एक फोटो देखिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है क्या सर? ओके, एक सर मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो नो, टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफता सर। ऑफ है सर? नो सर, दिखाइए सर। एक ऑफ है सर? नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो। प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं नहीं आप अपोलोजाइज सर, नहीं नहीं, नो अपोलोजाइज, मैं आपको अपोलोजाइज के लिए दिखे रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर, ये देखे सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रहे सर, जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूँ मुझे ये करना है सर, वो हटो देखो अभी। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है।
नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में सर, गलत तरीका है सर, फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आप सर, मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन, मैं समझाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे, ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है, ठीक है सर? 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है, 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर, 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा, 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है, 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है, कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बांटता किसको है? वही 2-3% लोग, और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। सर आपको सर ये जो कमल सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है, और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया, मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे, और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे सर। मैं अरे सर, इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए, सर तो जो पद्मवी वाले लोग हैं सर, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया, हिंसा नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं, हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में माननीय सदस्य आप जानते हो, हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप चेयर को एड्रेस, मैं बताता हूं सर, शिव की बारात होती है सर, शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है,
लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है।